हाँ जी, की हाल चाल है। सो यार, उबुद में ना अभी एक नई जगह पे मूव आउट हो गए हैं, मूव इन हो गए हैं सॉरी। ये एक जंगल के बीच में है, काफ़ी अच्छे से रिट्रीट है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी हम एक वाटरफॉल की तरफ चलते हैं और मेरा फ्रेंड रेडी है, तो आपको पहले वाटरफॉल दिखाते हैं और उसके बाद कहाँ पे चेक इन किया है, कहाँ पे रह रहे हैं वो दिखाएंगे। ठीक है गाइस, सो लेट्स गो। So guys, we are going to the waterfall. Our other friend Mohammed from Jordan, he lost his key to his scooter, and बहुत अजीब सी बात है, because चलते हुए स्कूटर से की नहीं गिरना चाहिए, but उसका गिर गया और वह उसको ढूंढने गया अभी कहीं पर, पता नहीं कहाँ पर, और या फिर उसको एक नया डुप्लीकेट वाला बनवाना पड़ेगा। और जो मेरा दूसरा फ्रेंड है बेल्जियम से, ये भी अभी जाता जाता गिर गया और फिसल गया और इसके शूज़ गिर गए ड्रेन में, तो वो ड्रेन पता नहीं कहाँ पे जाता है। तो अब ये देखिए बिना शूज़ के ही चल रहा है, तो इसने एक्चुअली शूज़ हाथ में उठाए हुए थे कि शूज़ की वजह से शायद स्लिपरी हो जाए और ये गिर जाए, बट वो उससे उल्टा हुआ, शूज़ के बिना भी ये स्लिप हो गया। और जहाँ पर स्लिप हुआ वहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज था और शूज़ आर गॉन। तो होपफुली भाई, मैं तो अभी डरा हुआ हूँ कि मेरा नंबर ना लग जाए, जो रिमेनिंग डे है वो अच्छा निकले। बाकी दिखाते हैं आपको आगे पहुँच के, वाटरफॉल का रास्ता भी दिखाते हैं और वाटरफॉल भी दिखाते हैं। भाई ऐसी सीढ़ियाँ थी जिस पे वो बंदा फिसला, ये एरिक। तो भाई ये दो वाटरफॉल हैं, एक तो हो गया और अभी सेकंड दूसरे की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा टफ है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा और फिर आगे जाके दिखाते हैं आपको। अभी जा रहे हैं दूसरे वाटरफॉल की तरफ। जो बेल्जियन फ्रेंड था मेरा वो तो निकल गया था, वो वैसे भी थोड़े से बैड मूड में है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्लिप कर गया और उसके शूज़ गिर गए पानी में ड्रेन में, तो थोड़ा सा बंदे का मूड ख़राब हो ही जाता है। बाकी अगर आप इस एरिया में आते हो डेफिनेटली इस वाटरफॉल को विज़िट कीजिएगा। वैसे बाली में 70 over 70 वाटरफॉल्स हैं, बट आप डेफिनेटली इसको विज़िट कीजिएगा क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। और इसका कॉस्ट है 10,000 रुपया, जो कि काफ़ी चीप है। कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं जिनकी 50,000 रुपया तक की कॉस्ट है, तो इसका कन्वर्जन मैं आपको स्क्रीन पे डाल के दिखा दूंगा। और जो इस वाटरफॉल का नाम है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी चलते हैं ऊपर। भाई वो वाटरफॉल तो है ही खूबसूरत, रास्ता भी
जैसे कहते हैं ना इन द लैप ऑफ नेचर, वैसे फील हो रहा है भाई। चारों तरफ जंगल है और मतलब कभी कभी आपको लगता है ना कि डिफाइन नहीं कर पा रहे आप कि कितना खूबसूरत है या कैसी फीलिंग आ रही है, तो वैसा ही है। वेरी ब्यूटीफुल, हाईली रिकमेंडेड। Not there? I don't know. Maybe, yeah. Maybe, yes. भाई काफी भूल भुलैया वाला रास्ता है, बट पहुंच गए हैं वैसे। बीच में यहाँ में छोटे मोटे खेत भी हैं लोगों के। असली ट्रैवलिंग तो यार यही मजा है, क्योंकि जो सिटीज वगैरह होती हैं या फिर पार्टी कर ली, ये सब ये आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएगा और वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर होता है। बट जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और यू नो, तो आई थिंक ये कहीं ज़्यादा वर्थ इट हैं और यही इसको ही मतलब रियल ट्रैवलिंग कहेंगे, रियल एक्सप्लोरेशन इसको ही कह सकते हैं। अभी तक तो मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ, पहले कुछ लोग थे मेरे साथ जो ये वाला इसमें तो आगे होंगे, बट वाटरफॉल पे होंगे लोग। काफ़ी धीरे चला जा रहा है भाई, क्योंकि पानी के बीच में से चल के जाना है और पानी ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 फीट होगा, 1.5-2 फीट होगा भाई। तो एनीवेज फैमिली के साथ आ सकते हो, और भी फॉरनर्स हैं जो अपने बच्चों बच्चों के साथ आए हुए हैं, इतना कुछ ख़तरनाक नहीं है बट बहुत एडवेंचरस है। तो या बाकी आपको आगे दिखाते हैं। हैं भाई और लोग, अच्छा मेरा फ्रेंड ही है वहाँ पे, वो पहले पहुँच गया था। तो भी आपको दिखाते हैं आगे का वाटरफॉल। ये मोहम्मद खड़ा भाई, इसको ना मोहम्मद को इसकी जो चाबी गायब हो गई थी ना वो मिल गई, मिल नहीं गई मतलब इसने नई बनवा ली, और इसके शूज़ गुम हो गए, तो इन दोनों का तो बेचारों का आज बुरा ही दिन था। और वो जो लड़की है वो भी हमारी फ्रेंड है, वो नेदरलैंड से है, तो वो हमें हॉस्टल वगैरह में मिल गई थी, तो सही है मतलब सारा कुछ। ये रहा वाटरफॉल, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद वापस। ओके गाइस, वाटरफॉल अभी हमने कर लिया और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, आपको दिख रहा होगा। और ये रास्ता थोड़ा सा हेक्टिक है तो शायद यहाँ पे रिकॉर्डिंग ना हो पाए, तो आपको ऊपर जाके ही सीधा दिखाते हैं। तो लेट्स गो भाई, ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे एक
जायंट स्विंग है, आपको दिख रही होगी वहाँ। अरे मेरे फ्रेंड्स, तो एक मिनट आपको फटाफट स्विंग दिखा देते हैं। मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स तो ले नहीं रहे इसको, तो आपको दिखा देते हैं कैसा स्विंग। ये रहा स्विंग। So I met this family. You guys are from Spain? No, Russian. Oh, Russian. Okay. I thought you were speaking Spanish. I don't know. All right. तो भाई रशियन फैमिली थी ये, आपने पहले देखा ही होगा, मुझे मिली थी। तो इनके साथ थोड़ा सा कर रहे थे, इंट्रैक्शन हो गया था, तो अब ये दोबारा मिल गए। चलो एनीवेज वापस चलते हैं। यार हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जूस वगैरह पीने आए थे वाटरफॉल के बाद, बट यहाँ पे राइस टेरेसेस इतने ब्यूटीफुल हैं कि यहीं पे बैठ गए हम आधे पौने घंटे। अभी वापस जा रहे हैं, तो चलो। ओके भाई, ये है हॉस्टल। मैंने आपको बोला था कि वाटरफॉल से वापस आके आपको दिखा देंगे। तो ये हमारे डॉर्म्स हैं, ऐसे हैं, ठीक है। थोड़ी सी जंगल सेटिंग है, थोड़ी सी जंगल सेटिंग है, और यहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं है, बिकॉज शाम को रात को थोड़ा सा ठंडा ही हो जाता है, तो फैन से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये ऑनर है यहाँ के, इस वो मेरा बेड है। और अभी आपको व्यू दिखा देते हैं बाहर का। यह भाई व्यू, शानदार। तो सही है भाई, अभी नेक्स्ट फ्यू डेज यहीं पे होंगे। और इनका जो कैफ़े है वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है सनसेट के लिए, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बिल्कुल यहाँ का एक कंट्री एरिया टाइप है, तो होपफुली कुछ लोकल से भी इंट्रैक्ट हो पाएगा। ये देखो, लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी इसका जो प्राइस वगैरह है वो मैं डाल दूँगा, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। भाई ये यहाँ का है कैफ़े एरिया, यहाँ का छोटा सा है बट बहुत नाइस है, सही है। और भाई व्यू देखो यहाँ से, सनसेट वगैरह होगा तो काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा यहाँ से। और नीचे प्रॉपर्टी का स्विमिंग पूल भी है, मुझे अगर आप देख पा रहे हो तो दैट्स इट। A few hours later. This one is not. That's vegetarian? Yeah, vegetarian. No egg. The next day. All right, let's go. I think you have to get up, bro. You all right? Yeah. Okay, see you up there, yeah? तो भाई आज भी हम वाटरफॉल जा रहे थे, एक नए वाले वाटरफॉल, और ये केव के बीच में है, बहुत इंटरेस्टिंग वाटरफॉल है। बट रास्ते में जो बाइक है वो पंक्चर हो गई है, तो अभी पंक्चर ठीक करवाएंगे भाई पहले इससे। ये लकीली नज़दीक ही था पंक्चर वाला, नहीं तो पता नहीं कितना चलना पड़ता। तो पंक्चर लगवा लें, उसके बाद फिर चलते हैं आगे वाटरफॉल की तरफ, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कल की तरह।
soft. All right. भाई वॉटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं और जैसे आपको दिखाया है पहले पंक्चर हो गया था तो लकीली जल्दी हो गया वो, और अभी देखते हैं वॉटरफॉल के रिव्यूज़ बहुत तगड़े हैं, होपफुली वर्थ इट होगा, तो आगे जाके देखते हैं क्या चलता है। ऑलराइट, और यहाँ से टिकट लेते हैं, आपको बताते हैं टिकट कितने का है। इस वाटरफॉल में भी भाई रास्ता थोड़ा सा पानी से होकर जाता है, मज़ा अलग ही है वैसे इस चीज़ का। बाकी थोड़े से रॉक्स पॉइंट ही होते हैं, सो कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। भाई मुझे डाल के आनी चाहिए थी चप्पलें और मैं डाल के आ गया शूज़, तो अभी शूज़ के बिना चलना, यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो काफ़ी एक्चुअली शार्प हैं, बट एनीवे आए हैं तो जाएंगे। A few moments later. All right, waterfall is done, guys. अभी यहाँ पे थोड़ा सा refreshment वगैरह लेंगे. So I think see it's pretty nice. तो देखते हैं खाना वाना खाते हैं भाई. भाई वापस जा रहे थे और इतना ज़बरदस्त sunset मिला कि रुके बिना रहा नहीं गया. सनसेट देखो यार, सनसेट देखो, आपको पीछे माउंटेन्स दिख रही हैं क्लाउड्स के साथ,
Amazing. Wow. This is so beautiful. The next day. Good morning, people. तो भाई आज हम गुड बाय कह रहे हैं उबुद को एंड अभी एक नए एरिया में जाएंगे. वहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं और एक लेक है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है. फ़ोटोज़ वगैरह में रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं तो उसको चेकआउट करेंगे एंड वहाँ पे रहेंगे भी. और मैंने एक ट्री हाउस बुक करवाया है जो कि होपफुली काफ़ी अच्छा होगा, बट वहाँ पे पहुँच के ही पता चलेगा. तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस एंड कैरी ऑनवर्ड विद आवर जर्नी. तो मुझे पता नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है आप लोगों को कि नहीं, कि मैंने स्कूटर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है. तो अभी उसको 2 हफ्ते तो हो गए हैं मेरे पास बाली में और अभी और टाइम देखते हैं, शायद 1 हफ्ता और रखेंगे. तो ये जो नई जगह है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 60-65 किलोमीटर्स है. तो आपको राउट तो दिखाएंगे ही, बाकी वहाँ पहुँच के सारा बताते हैं. No? Yes. They want the picture. For a question, fruit. Yeah, if you want some passion fruit, they offer it. Yeah. Yeah. Mohammed always takes passion fruits. No, ada kacang. Oh, kacang. Hello. Epa, 12 days. I have big ceremony. Okay. Ngaben ceremony. Okay. Because Bali people is Bali with 3 elements. Okay. Brahma, Vishnu, Shiva. Okay. Vishnu mean same like what? That's a. तो यार ये थे हमारे यहाँ के हॉस्टल ऑनर, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली और ये यही सब नज़दीक ही रहते हैं. तो मैंने कहा जाते हुए उबुद से उनको मिल लें. और यहाँ पे वो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी बनाते हैं जो आपको दिखाए हैं. ये देखिए यहाँ पे कुछ बने हुए पड़े हैं. तो और यहाँ पे आपको कोई इतने देवता या गॉड नहीं दिखेंगे जितने लॉर्ड गणेश होंगे हर जगह पर. ये देखिए बाय द वे हमारा रास्ता जाता था ऊपर डॉम की तरफ. काफ़ी अच्छी जगह है, इसका मैं व्लॉग बना के डाल दूंगा अगर आप यहाँ पे रहना चाहें. बहुत चीप है और बहुत अच्छी है. मज़ा आ गया यार. और अभी भी इनफैक्ट शाहरुख खान का ही ये बना रहे हैं. क्या आर्ट है भाई, क्या आर्ट.